नमस्ते दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस पेज पे हम टीम कैसे क्रिएट करें, बैलेंस पेज पे टीम कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि आप बैलेंस पेज पे टीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बैलेंस पेज पे टीम कैसे बना सकते हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आने वाला है। मैं एक एक पॉइंट आपको आसानी से समझाऊंगा जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हो। पहले आप बैलेंस पेज को समझो, उसके बाद बैलेंस पेज पे टीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले बैलेंस पेज पे क्या होता है, बैलेंस पेज पे कितने रन बनते हैं और कितने विकेट गिरते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप एवरेज रन, यहाँ पर एवरेज रन 130 से यहाँ पे 160 तक रन बनते हैं, उसको बैलेंस पिच बोलते हैं। मतलब कि 130 से लेके 160 के बीच में जिस पिच पे रन बन रहे हैं वह बैलेंस पिच होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज विकेट 4 से लेके 7 तक, मतलब कि जिस पिच पे 4 से लेके 7 तक विकेट गिर रहे हैं, मतलब एक टीम के मान के चलिए 150 रन बनाए फर्स्ट टीम ने। यहाँ पे मैंने लिखा है ए टीम और बी टीम, तो यहाँ पे ए टीम ने 150 रन बनाए 5 विकेट पे, वहीं बी टीम ने यहाँ पे बनाए 155 रन 7 विकेट पे। तो उसको हम बैलेंस पिच ही बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे विकेट भी गिर रहे हैं और रन भी बन रहे हैं। मतलब रन 160 प्लस होता है तो उसको हम बैटिंग पिच बोलते हैं, और 160 से नीचे आता है तो उसको बैलेंस पिच बोलते हैं। बट बैलेंस पिच किस कंडीशन में होगा, अगर वहाँ पे विकेट 4 से लेके 7 तक गिर रहे हैं तभी बैलेंस पिच होगा। अगर वहीं विकेट 2-3 गिर रहे हैं तो उसको बैटिंग पिच बोलेंगे, और वहीं पे अगर 150 रन बन रहे हैं और विकेट 7 तक गिर रहे हैं, 6 तक गिर रहे हैं, तो उसको बैलेंस पिच बोलेंगे, क्योंकि वहाँ बैट्समैन भी आउट हो रहे हैं जिसकी वजह से बैलेंस हो रहा है। बॉलर्स का और बैट्समैन का कॉम्बिनेशन जो है इक्वल चल रहा है जिसकी वजह से वो बैलेंस पिच हो गई। वहाँ पे बॉलर्स को भी सपोर्ट मिल रहा है और बैट्समैन को। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि 130 से लेके 160 तक जहाँ पे रन बने और यहाँ पे वहीं पे विकेट 4 से लेके 7 तक गिरने चाहिए तभी उसको बैलेंस पिच बोलेंगे, नहीं तो अगर कम विकेट गिर रहे हैं तो उसको बैटिंग पिच बोलेंगे भले ही 130 के ऊपर रन बन रहे हैं। और वहीं पे यहाँ पे ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, 7 के ऊपर 8-9 गिर रहे हैं अगर इस पिच पे, तो उसको बॉलिंग पिच बोलेंगे। तो यहाँ से बैलेंस पिच आपको समझ में आ गया होगा, एवरेज रन और एवरेज विकेट गिर रहे हैं हाफ हाफ तो उसको बैलेंस पिच बोलेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि बैलेंस पिच किसको बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा बैलेंस पिच पे आप टीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए टीम और बी टीम, ए टीम के 11 प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं और बी टीम के भी 11 प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनअप में 11 प्लेयर दोनों टीम के खेल रहे हैं, और यहाँ पे यहाँ 7 से लेके नीचे जितने रहते हैं 5 ये बॉलर रहते हैं, 7 के नीचे जो आते हैं मिनिमम 5 बॉलर कोई भी टीम खिलाती है। अगर 4 बॉलर खिला रही है तो उसकी ऑलराउंडर बॉलिंग कराएंगे, इतना आपको समझना है। और यहाँ पे जो है 4 से लेके 6 तक ऑलराउंडर आएंगे, नहीं तो यहाँ से 5 से लेके 6 तक, नहीं तो यहाँ पे एक ही ऑलराउंडर रहेगा किसी भी टीम में। हर टीम के अलग अलग ऑलराउंडर रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई टीम एक ऑलराउंडर को खिलाती है, कोई टीम 2 ऑलराउंडर को खिलाती है, कोई टीम 4 ऑलराउंडर को खिलाती है। उस टीम में कितने ऑलराउंडर हैं ये तो आपको उस टीम को देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ऑलराउंडर आपको पता चल जाएंगे वो बैटिंग भी करते हैं प्लस बॉलिंग भी करते हैं। ऑलराउंडर का मतलब यहाँ क्या होता है कि ऑलराउंडर का पोजीशन जो रहता है ऊपर रहता है, यहाँ पे यहाँ 7 के नीचे जो रहेंगे बॉलर रहेंगे और 7 के ऊपर जो आएंगे यहाँ पे ऑलराउंडर रहेंगे, यहाँ पे 5 नंबर 4 नंबर पे भी वो बैटिंग करने आ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ऑलराउंडर यहाँ पे और बॉलर का पोजीशन क्या रहता है। पहले आपको यही समझना है कि ऑलराउंडर और बॉलर का पोजीशन क्या है और बैट्समैन का पोजीशन क्या है, बैट्समैन कितने हैं और कितने नंबर तक बैटिंग कर रहे हैं, और ऑलराउंडर कितने हैं कितने नंबर तक बैटिंग कर रहे हैं, और बॉलर कितने नंबर तक बॉलिंग करा रहे हैं। मतलब लाइनअप आने के बाद अब देखना है आपको, पोजीशन देखना है कितने नंबर पर ऑलराउंडर बैटिंग करने आ रहा है, कितने नंबर पर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ये पहले आपको देखना है। उसके बाद ये देखना है कि उस टीम में बॉलर कितने हैं, उस टीम में अगर 4 बॉलर हैं तो उस टीम के ऑलराउंडर बॉलिंग कराएंगे, और उस टीम में अगर ज़्यादा बॉलर हैं तो ऑलराउंडर कम बॉलिंग कराएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको टीम कैसी बनानी है और टीम में कितने बैट्समैन रखने हैं, कितने विकेट कीपर रखने हैं,
और कितने बॉलर और कितने ऑलराउंडर रखने हैं। सबसे पहले आपको लाइनअप देखना है, एक से लेके 11 तक बैट्समैन का, बॉलर का और ऑलराउंडर का पोजीशन क्या है। यहाँ से मान के चलिए यहाँ पे 3 नंबर तक बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, 3 बैट्समैन मेन जो मेन रहेंगे यहाँ पे बैटिंग करेंगे 1 से लेके 3 तक। यहाँ पे कोई कोई विकेट कीपर रहता है, यहाँ पे 7 नंबर पे आता है या फिर 6 नंबर पे भी आता है। और यहाँ पे जो 4 नंबर का है और 5 नंबर, ये दोनों जो पोजीशन रहेगा ऑलराउंडर का रहेगा। यहाँ पे 4 नंबर और 5 नंबर पे ऑलराउंडर बैटिंग करने आएंगे, और यहाँ पे जो रहेंगे यहाँ पे नीचे विकेट कीपर या फिर कोई बैट्समैन रहेगा जो लो डाउन का रहेगा, जो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता होगा उस बैट्समैन को नीचे खसका देती है टीम। तो आपको सबसे पहले लाइनअप देखना है। तो यहाँ पे लाइनअप में अगर 4 नंबर से लेके 6 नंबर तक ऑलराउंडर बैटिंग कर रहा है और यहाँ पे बॉलर्स जो रहेंगे 5 बॉलर या फिर 4 बॉलर हैं टीम में, तो आपको क्या करना है अपनी टीम में 4 ऑलराउंडर लेके चलने हैं। दोनों ही टीम अगर यहाँ पे 4 नंबर से लेके 6 नंबर तक ऑलराउंडर को बैटिंग करा रही है तो आपको ऑलराउंडर अपनी टीम में ज़्यादा रखने हैं। यहाँ पे 4 ऑलराउंडर अपनी टीम में रख के चलने हैं, 4 नंबर से लेके 6 नंबर तक अगर बैटिंग करने आ रहे हैं तब। तो आपको लाइनअप में यही देखना है कि ऑलराउंडर किस पोजिशन पर बैटिंग करने आ रहा है। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ रहती है वो ऑलराउंडर की रहती है कि वो बैटिंग कितने पोजिशन पर करने आ रहा है और बॉलिंग कितने ओवर कराएगा, क्योंकि ऑलराउंडर का ज़्यादा चांसेस रहता है बैटिंग करने का और बॉलिंग कराने का। अगर ऑलराउंडर यहाँ पे ऊपर आ रहा है 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे आ रहा है तो रन भी बनाएगा, मान के चलिए 10 ही रन बनाए या फिर 20 रन बनाए, उसके बाद उसको बॉलिंग मिलेगी। अगर 4 ओवर, 3 ओवर या फिर 2 ओवर ही बॉलिंग कराए और 1-2 विकेट ले जाए और 4 नंबर पे, 5 नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है तो 10-20 रन आराम से बनाएगा और अच्छे खासे पॉइंट देके जाएगा ड्रीम इलेवन किसी भी फैंटेसी ऐप में, अच्छे खासे पॉइंट देके जाएगा और उसके जो पॉइंट रहेंगे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके विनिंग करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको यही देखना है कि डेथ ओवर में बॉलिंग कौन करा रहा है, डेथ ओवर के बॉलर अपनी टीम में रख लेने हैं 3, अगर 4 खेल रहे हैं तब, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा खेल रहे हैं तो किसी एक को ड्रॉप करके चलना पड़ेगा। और किसी एक को, किसको आप ड्रॉप कर सकते हैं जिसका ओवर कम, मतलब जिसको बॉलिंग कराने का चांसेस कम हो और जिसके बैटिंग करने की पोजीशन यहाँ पे 7 नंबर 6 नंबर पे हो, जो ऊपर बैटिंग करने आए उसी को आप अपनी टीम में रखें और उसके बॉलिंग कराने के चांसेस जो रहेंगे ज़्यादा रहें तभी अपनी टीम में रखें। और यहाँ पे बैट्समैन जो रहेंगे कंसिस्टेंस प्लेयर रहेंगे, जो किसी भी तरह के विकेट पे अच्छे खासे परफॉर्मेंस करते हों, मान के चलिए 10 मैच खेला है प्लेयर ने तो उसके आप देखें कि 10 मैच में कितने रन बनाया है कितने मैच में, तो मान के चलिए 10 मैच में से 7 मैच या फिर 6 मैच में अगर वो 20-30 रन या फिर अच्छा ऊपर रन बना रहा है तो उसको अपनी टीम में रखें। ऐसे कंसिस्टेंट प्लेयर को, कंसिस्टेंट बैट्समैन को अपनी टीम में रखें, और विकेट कीपर भी वैसे ही रखने हैं जो बैलेंस विकेट या फिर बॉलिंग विकेट या फिर बैटिंग विकेट पे चलते हों, ऐसे बैट्समैन को अपनी टीम में आपको रखना है। डेथ ओवर के बॉलर रखने हैं, डेथ ओवर के बॉलर रखेंगे तो डेथ ओवर में ज़्यादातर विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और बॉलर को ज़्यादा विकेट मिलता है, तो इसलिए डेथ ओवर के बॉलर रखें अपनी टीम में जीतने के लिए, और ऑलराउंडर रखें जो आपको हाई पॉइंट देंगे जिसकी वजह से आप विन कर सकते हो ड्रीम इलेवन में। तो यहाँ से मैंने आपको एक तरीका बता दिया, एक कम्बिनेशन बता दिया जिसको देख के आप खुद की टीम क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको लाइनअप में बैट्समैन का, ऑलराउंडर का और बॉलर का पोजीशन देखना है, कितने नंबर पे आ रहे हैं बैटिंग करने और बॉलिंग करने, तो उसके हिसाब से ही अपनी टीम को यहाँ पे क्रिएट करें। अब एक और कॉम्बिनेशन है जिसको मैं आपको बता देता हूँ, जिसको आपको बना के दिखा देता हूँ, जिसको आप यूज करोगे तो उससे भी आप विन कर सकते हो, लेकिन सबसे बेसिक जो नॉलेज रहेगी आपको लाइनअप में आपको यही देखना है, पोजीशन देखना है, उसके हिसाब से ही टीम क्रिएट करनी है। और बैलेंस पिच मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे इतने रन बनेंगे और इतने विकेट गिरेंगे तभी वहाँ पे आपको बैलेंस पिच समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम में ऑलराउंडर, बैट्समैन और बॉलर रखने हैं। अब मैं आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बताता हूँ जिसको यूज करके भी आप विन कर सकते हो। दूसरे कॉम्बिनेशन को भी यूज करने के लिए आपको पहले लाइनअप देखना पड़ेगा और यहाँ पे पोजीशन देखने पड़ेंगे, बैट्समैन, ऑलराउंडर और यहाँ पे बॉलर्स के पोजीशन देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बैट्समैन के पोजीशन देख ले, यहाँ पे आपके जो 11 प्लेयर रहेंगे यहाँ पे
तो 11 प्लेयर में यहाँ पे चार बैट्समैन हो गए, उसके नीचे यहाँ पे ऑलराउंडर हो गए 5 नंबर 6 नंबर, और उसके नीचे यहाँ पे बॉलर हो गए 5 बॉलर, 7 के नीचे यहाँ पे बॉलर रहेंगे 5 बॉलर रहेंगे हर दोनों ही टीम के, और यहाँ पे जो रहेंगे 2 ऑलराउंडर रखेगी टीम या फिर एक ही ऑलराउंडर रखेगी अपनी टीम में, तो यहाँ पे 2 ऑलराउंडर रहेंगे, तो यहाँ पे उनको क्या करें आप अपनी टीम में पिक कर लें या फिर एक ऑलराउंडर रखें, बट आपको देखना है कि ऑलराउंडर बॉलिंग करा रहा है कि नहीं। ऑलराउंडर अगर बॉलिंग करा रहा है तभी उसको अपनी टीम में रखें, नहीं तो उतना कोई ज़रूरी नहीं है उसको रखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि बॉलिंग करा रहा है कि नहीं, अगर बॉलिंग करा रहा है तभी रखें, नहीं तो अच्छा बैट्समैन हो तभी उसको अपनी टीम में रखें। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑलराउंडर रखे हैं, बट यहाँ पे देखना है कि टीम कैसी है, अगर मजबूत टीम है तो 2 ऑलराउंडर उसके ही रखें, अगर दोनों ही बैलेंस है तो दोनों के एक एक ऑलराउंडर अपनी टीम में रखें, अगर वीक है यहाँ पे टीम तो उस दोनों ही वीक है तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है, दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑलराउंडर है उसको अपनी टीम में रखें। उसके बाद यहाँ पे बॉलर्स रखें, जो यहाँ पे 7 नंबर 8 नंबर पे बैटिंग करने आए उस बॉलर्स को अपनी टीम में रखना है आपको। हो सकता है जो अच्छे बॉलर्स रहते हैं जो रन भी बनाते हैं कुछ, तो उनका पोजीशन जो रहता है ऊपर रहता है, यहाँ पे 7 नंबर 8 नंबर पे रहता है, तो ऐसे बॉलर्स को अपनी टीम में ट्राई करना है आपको, 7 नंबर 8 नंबर वाले बॉलर्स को अपनी टीम में रखें जो डेथ ओवर में भी बॉलिंग कराते हों, और ऑलराउंडर को रखें जो बेस्ट हों, और यहाँ पे बैट्समैन रख लें कंसिस्टेंस प्लेयर जो अच्छे प्लेयर हों, जो हर मैच में अच्छा एवरेज रन बनाते हों, ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम में रखें। तो यहाँ से एक कॉम्बिनेशन ये भी है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, बट आपको सबसे पहले यहाँ पे यही देखना है लाइनअप में कितना नंबर पे पोजीशन है बैट्समैन का, ऑलराउंडर का और बॉलर का, उसके हिसाब से ही अपनी टीम में उनको ट्राई करें। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको टीम कैसे क्रिएट करनी है बैलेंस विकेट पे। उसके लिए आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड देख के भी आप बैलेंस विकेट यहाँ पे पता कर सकते हैं, या फिर ड्रीम इलेवन में खुद बैलेंस विकेट बता देता है, फैन कोड भी बैलेंस विकेट बता देता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप स्कोर कार्ड देख के भी यहाँ पे बैलेंस विकेट पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्कोर कार्ड के हिसाब से ही बैलेंस विकेट बता दिया आपको, जिसकी मदद से आप टीम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लाइनअप देखना बहुत ज़रूरी है, कितने नंबर पे कौन सा बैट्समैन आ रहा है, बॉलर्स आ रहा है, ऑलराउंडर आ रहा है, तभी अपनी टीम क्रिएट करें। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाएँ, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।